हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज फ्राइडे को बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की। आज कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज बात करूँगा गोल्ड एक एसेट क्लास के बारे में, जो कि हम एसेट एलोकेशन में अपने ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। तो उस पर काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस रहते हैं कि गोल्ड क्या एक बहुत अच्छा हेज है क्या, किसके अगेंस्ट, इक्विटी के अगेंस्ट बोला जाता है। तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ये कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार गोल्ड जो है ना इंडियंस बहुत बाय करते हैं, कोई डाउट नहीं है, तो उसके वजह से गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं क्या, कि हम ज़्यादा बाय करेंगे तो ज़्यादा गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। भाई डिमांड ज़्यादा है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है क्या। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार यूएस में तो मतलब या ग्लोबली गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बट इंडिया में ज़्यादा बढ़ता है, पता है आपको ऐसा होता है, तो वो क्यों है कि इंडिया में जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, बट अगर हम वही चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वो इतना ज़्यादा नहीं करते, या मतलब स्पेशली यूएस में देखें तो उसके क्या रीजंस हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे लोगों के होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत समझेंगे। तो एक 20 ईयर का ट्रेंड से सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा कि गोल्ड जो है वो हेज है किसका और कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने yadnya.in वेबसाइट नहीं देखी है तो वो ज़रूर चेक कीजिए। यज्ञा कूपन कोड चल रहा है वहाँ पे, 30% डिस्काउंट वी आर गिविंग ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल, ठीक है। एंड देर इज IPL कूपन कोड ऑल्सो, जिसमें कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हमारे लास्ट 2-3 साल में, उन पे एक सेपरेट 50% ऑफ है, तो वो ज़रूर चेक करना अगर नहीं किया है अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझना है कि गोल्ड जो प्राइजिंग होता है ना, वो गोल्ड एक ऐसा एसेट को, इंडिया का तो स्पेसिफिक है नहीं, राइट, एक ग्लोबल एसेट है, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ट्रेड होता है, तो सिंस तो उसका जो प्राइस पेग होता है, मतलब वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो आपको वो सबसे पहले समझना है कि इंडिया की डिमांड एंड सप्लाई से ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस पे बहुत कम इम्पैक्ट है, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है प्रोडक्ट्स ज्वेलरी बनाने में, और बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स के लॉकर्स में भी रखा हुआ है, ठीक है। वो भी बाय करते हैं टू हेज अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर, क्योंकि वो उसी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। तो वो चीज़ हमें समझनी है कि हमारे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सिंस यूएस डॉलर का एक बहुत अच्छा पेग है, वो पेग मीन्स कि वो एक हेज कह सकते हो, या फिर जैसे जैसे यूएस डॉलर मूव करता है, मतलब गोल्ड जो है प्राइसेस उसके हिसाब से मूव करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यूएस के फेड रेट्स से गोल्ड प्राइसेस का क्या कोरिलेशन है। यूएस फेड रेट मतलब जैसे RBI के इंटरेस्ट रेट्स हैं, ऐसे यूएस फेड मतलब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उसके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं कम होते हैं, तो उससे कुछ कोरिलेशन है क्या। तो 20 ईयर्स का डेटा हम सब चीज़ों में समझाएंगे, एज आई सेड कि कोई बड़े बड़े टर्म्स और कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथोलॉजी से नहीं समझाऊंगा, सिंपल ग्राफ से समझाऊंगा चीज़ें। तो अगर हम ये चीज़ देखें यार, राइट, तो 20 ईयर्स में तो ये जो ग्राफ है ये है गोल्ड का प्राइस इन यूएस डॉलर, वो कैसे इंक्रीज हुआ, और ये है इंटरेस्ट रेट्स यूएस के, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये 20 ईयर्स में देखें तो कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखता है, बट यहाँ पर अगर हम देखें कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने शुरू हुए तो गोल्ड का प्राइस बढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं अब तो गोल्ड का प्राइस फ्लैट हो गया है। इससे पहले भी इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़े तो गोल्ड प्राइसेस फ्लैट थे, जब इंटरेस्ट रेट कम हुए या कम थे तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं तो इन्वेस्टर्स जो हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको लगता है कि यार इतना कम यूएस ट्रेजरी में डालेंगे, इतना कम इंटरेस्ट मिलेगा 0.1-0.20%, इससे अच्छा गोल्ड में डाल देते हैं तो शायद उसमें ज़्यादा मिल जाए, है ना। तो वो उस थॉट से जो है वो पैसा थोड़ा सा मूव करता है गोल्ड की तरफ जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाते हैं तो वो एक एसेट अच्छा लग जाता है लोगों को,
क्या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, अब जैसे इस टाइम पे ऑलमोस्ट 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं वो यूएस के बॉन्ड्स। तो फिर अब एक इन्वेस्टर है या फिर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उसको लगता है अब गोल्ड में जाके क्या करूँ, है ना, यहाँ पर डाल देता हूँ यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में, यहाँ पर तो 5% मिल रहा है, गारंटीड मिल रहा है भाई, बड़ा कंट्री है और बहुत स्ट्रांग कंट्री है, गोल्ड में तो पता नहीं 5% मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाइंग जो है ग्लोबली वो उसकी ज़्यादा शुरू हो जाती है और इनकी कम हो जाती है। तो एक ये एक हेज की तरह है कि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में ज़्यादा होंगे तो वहाँ के जो यूएस के बॉन्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मनी मूव्स फ्रॉम अदर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग गोल्ड एंड इक्विटी ऑल्सो टू दोज काइंड ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हेज एक उस तरह से, हेज मतलब एक कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन आप बोल सकते हो कि इसमें होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं यूएस के, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे अनलेस एंड अंटिल वो गिरने शुरू हों। वो जैसे ही ज़्यादा गिरेंगे, जैसे यहाँ गिरे, तो फिर इंटरेस्ट रेट्स फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब फिर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोरिलेशन समझ गए, तो अब आपको समझ आ गया कि कब गोल्ड लेना है। ठीक है, सेकेंड है एक डॉलर इंडेक्स होता है, उसका मेरा एक वीडियो भी है डॉलर इंडेक्स का, वो एक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डॉलर इंडेक्स क्या होता है, तो यूएस डॉलर अगेंस्ट वेरियस करेंसीज, मतलब यूरो, जापान, तीन चार करेंसीज हैं, तो उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब डॉलर और जैसे मैंने बोला गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है उसका जो प्राइसिंग होता है वो डॉलर में ही बताया जाता है मोस्टली ग्लोबली, तो वो काफ़ी एक दूसरे के मतलब कॉम्पिटिटर बोल सकते हो कि लोगों को या तो यूएस डॉलर लेना है या गोल्ड लेना है, ऐसा रहता है कई कई कंट्रीज़ का, जिनको ज़्यादा नेटवर्क अपना कि भाई मेरे को रिजर्व्स को यूएस में नहीं रखने, झगड़ा है मेरा यूएस के साथ, है ना, तो मुझे गोल्ड में रखने हैं वो पैसा, तो इस तरह से वो डिस्कशंस होते हैं। तो वैसा उसका भी क्या कोरिलेशन है क्या, राइट, तो वहाँ पर मैंने कोशिश करी है ग्राफ को, अगेन 20 साल का ग्राफ डाला है। तो ये जो है ये तो गोल्ड के प्राइसेस हैं, अगेन यूएस डॉलर में है, और ये डॉलर इंडेक्स है, तो वो 100 के आसपास चलता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देखोगे जब डॉलर इंडेक्स कम होता है, मतलब यूएस डॉलर का प्राइस या यूएस डॉलर की डिमांड कम है, तो इसका मतलब गोल्ड बढ़ रहा है। देखो आप, थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है ना यहाँ पर, अच्छा, फिर कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, फिर ये फ्लैट है तो ये थोड़ा बढ़ा, फिर ये भी गिरा, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, ये गिरना शुरू हुआ, काफ़ी अच्छा कोरिलेशन लग रहा है, फिर ये गिरा ये बढ़ा, राइट, तो आप ये देख सकते हो ये फ्लैट हुआ ये बढ़ना, ये गिरा ये बढ़ा, और फिर ये बढ़ना शुरू हुआ और ये फ्लैट हो गया। ठीक है, तो यूएस डॉलर वर्सेस गोल्ड एक काफ़ी अच्छा कोरिलेशन। तो यूएस डॉलर का इंडेक्स वो कैसे मूव कर रहा है, अगर वो बहुत बढ़ रहा है तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, या फ्लैट हो जाएंगे या गिर जाएंगे। लेकिन अगर यूएस डॉलर जो है वो गिर रहा है, जो कि अभी कुछ टाइम से गिर रहा है, मतलब अगर हम लास्ट 3-4 महीने से गिरे एज़ कम्पेयर टू पहले, तो वो अगर गिर रहा है तो गोल्ड जो है वो बढ़ सकता है, उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा कोरिलेशन यहाँ 20 साल के ग्राफ में दिख रहा है। एज आई सेड, बड़े बड़े कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअल डेटा के हिसाब से। और ये यूएस डॉलर में है ये सब, याद रखना, ये सब INR में गोल्ड के प्राइसेस नहीं है, INR में अलग होते हैं गोल्ड के प्राइसेस, क्यों होता है वैसा, तो उसकी भी बात करते हैं। तो बेसिकली आपको समझना है कि सिंस गोल्ड जो है ग्लोबल ट्रेडेड करेंसी, मतलब एक एसेट है, तो जब वो इंडिया में ट्रेड होता है तो वो इंडियन करेंसी के हिसाब से ट्रेड होता है, तो अब उसमें एक्सचेंज रेट का भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ना, क्योंकि भाई डॉलर में इतना है, सपोज $1500 पर आउंस जो भी कैलकुलेशन है इनकी, उसके हिसाब से है, तो वो आपको समझना है कि इंडियन के हिसाब से भाई डॉलर INR का प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और गोल्ड के प्राइसेस भी, तो दो फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब इंडियन करेंसी तो कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट होती है डॉलर के अगेंस्ट, होती है ना, तो अब वो अगर डिप्रिशिएट हो रही है, तो अगर एक प्राइस पे भी है गोल्ड लगातार, सपोज $1000 पे ही है, और डॉलर पहले ₹50 का था, अब ₹80 का हो गया, तो गोल्ड तो महंगा हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि पहले हम $1000 मतलब ₹50 का, मतलब ₹50,000 दे रहे थे, अब वो ₹80 का एक डॉलर है INR में, तो ₹80,000 दे रहे हैं, तो गोल्ड महंगा हो गया। तो इसीलिए
जो ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस ग्रोथ है उसके कंपैरेटिवली इंडिया जो है, क्योंकि हमारे कंसिस्टेंटली वी कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग अवर करेंसी, ऑब्वियसली उसके काफ़ी सारे रीजन से वो अलग डिस्कशन है, तो बट वो डेप्रिशिएट होती रहती है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा दिखते हैं बढ़े हुए। तो अब ये चार्ट आपको देखो, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पर आई हैव डन कि गोल्ड के प्राइसेस यूएस डॉलर में 5 ईयर का CAGR 7.32 है, ये दिसंबर 31 दिसंबर 2022 का तक का डेटा है। सो 7.3% का ग्रोथ रेट रहा है लास्ट 5 साल में गोल्ड के प्राइसेस का, विच इज़ प्रेटी गुड। ठीक है, 10 साल में यूएस डॉलर में है ये, 10 साल में 4% का ही रहा है और 20 साल में 7.6% का गोल्ड का इंक्रीज रहा है, ये ट्रेलिंग रिटर्न है ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये रहा है। अब अगर हम यूएस डॉलर INR कितना करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है इनका, तो 5 साल में इंडिया की करेंसी ऑलमोस्ट 3.5% डेप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर, 10 साल में CAGR 3% और 20 साल में भी 3% के आसपास डेप्रिशिएट हुई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें, मतलब ये ऑब्वियसली एग्जैक्टली ऐसा नंबर प्लस नहीं होता, ठीक है, और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, कस्टम ड्यूटी एंड टैक्स एंड एवरीथिंग इंक्लूड होता है सब चीज़ें, लेकिन 5 साल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहा है गोल्ड का प्राइसेस का 31 दिसंबर 2022 तक, तो 12% के आसपास के रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने इंडिया में, 10 साल में 7% के हिसाब से और 18 साल, क्योंकि मेरे 20 साल का डेटा नहीं था, तो 18 साल में ऑलमोस्ट 11.5% के रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं इंडियन, अगर हमने होल्ड किया है तो पर एनम, ठीक है, CAGR में। तो इस तरह से हमें समझना है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो भाई, ये सारी चीज़, तो ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो ग्लोबली गोल्ड बढ़ना चाहिए और इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट भी होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो गोल्ड के प्राइसेस, तो ये दो हमारे फ्लक्चुएशंस हैं। रिटर्न देख के लगता है कि ठीक है, इट्स नॉट ए बैड एसेट क्लास फॉर सम एलोकेशन, नॉट टू मच, ठीक है, बट यही हमारा एक्सपेक्टेशन फ्रैंकली। मैं एक पर्टिकुलरली जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम एक 7-8% का ही एक एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ रखते हैं गोल्ड से एज एसेट क्लास विद 5+ ईयर्स का होराइजन। अगर हम 5 साल में देखें तो वही 7% ही दिया है उसने, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एज आई सेड, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और बहुत सारे फैक्टर्स उस पर रहता है। अब एक और लास्ट है कि इक्विटी के साथ, आपने तो बताया ही नहीं कि इक्विटी के साथ इसका कोरिलेशन कैसा है, तो वो देख लेते हैं। तो अगेन 20 साल के लिए प्लॉट किया, पहले निफ्टी 50 के साथ किया, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस और निफ्टी 50 कैसे बढ़े हैं। तो यू कैन सी राइट कि ये निफ्टी 50 है रेड में और ब्लू में जो है गोल्ड का प्राइस है। तो ऑफ कोर्स जब निफ्टी 50 बहुत गिरा, जैसे 2008 में गिरा, तो गोल्ड थोड़ा बढ़ा, उसके बाद भी बढ़ा काफ़ी, राइट, एंड देन जब निफ्टी 50 मतलब बढ़ा काफ़ी तो ये कम हुआ, मतलब कोरिलेशन थोड़ा बहुत है, बट ऐसा बहुत स्टार्किंग कोरिलेशन जैसे हमने यूएस डॉलर इंडेक्स के साथ देखा वैसा नहीं है। यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं, अगर आप देखोगे 2015 से लेके 2020-21 तक ये यूएस डॉलर में है गोल्ड, ठीक है, तो INR में नहीं है, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है, तो दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी निफ्टी जो है गोल्ड जो है फ्लैट है लास्ट 2-3 साल में यूएस डॉलर में, बट निफ्टी जो है निफ्टी 50 टॉप पे आके अभी थोड़ा गिरने लगा तो ये बढ़ने लगा है पॉकेट्स में, बट यू कैन नॉट सी अ एकदम बहुत अच्छा ट्रेंड। यही S&P 500 के साथ देखते हैं, वहाँ पर भी वैसा ही है, तो आपको एक पॉकेट्स में दिखेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत हेज है। हेज बेसिकली यही है कि दोनों इंक्रीज दोनों ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तो दोनों एक लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीज, बट ये है कि कोई बहुत बड़ा अगर क्राइसिस आता है, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया या कोविड क्राइसिस आया, तो उस टाइम पे ये एसेट उतना ज़्यादा नहीं गिरता या नहीं बिल्कुल ही नहीं गिरता या थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। तो वो हमने यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा, तो जब ये गिरा तो ये बढ़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोविड में देखें तो ये गिरा तो ये थोड़ा फ्लैट बल्कि थोड़ा बढ़ा, ठीक है। सेम जब हम कोविड में गिरता है तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें हमारी डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पर समझनी है, दिस इज़ हाउ द कोरिलेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स रहे हैं, ठीक है। तो यही है, कोरिलेशन कई कई जगहों पे है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि बिल्कुल ये प्योर हेज है कि मार्केट अच्छा करेंगी तो ये अच्छा नहीं करेगा और मार्केट अच्छा नहीं करेंगी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लगता है यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो सबसे अच्छा उसका हेज है कि यूएस डॉलर जब बढ़ता है
तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं करता और ये अच्छा करता, तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे वो लगा इसका हेजिंग। बट इक्विटी के साथ ऐसा है टाइम जब दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो एंड दिस यू कैन सी फ्रॉम 2016 टू 2020 कंसिस्टेंटली दोनों ने अच्छा किया, और यहाँ पर भी ऐसा ही है 2014 से लेकर 2020-21 तक दोनों ने अच्छा ग्रोथ किया है, यूएस डॉलर ने भी, तो वो ऐसा हेज करके वी कैन नॉट से। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है, ठीक है, किस तरह से हमें इस प्रोडक्ट को प्लान करना चाहिए। हमें हमेशा हमारा ये थॉट प्रोसेस है, यस, एक बड़े पोर्टफोलियोज में इट कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एलोकेशन, बट इट शुड नॉट बी अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ योर एलोकेशन, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और वो दोनों फैक्टर्स कैसे चेंज हो जाएंगे फ्यूचर में, इट्स वेरी टफ टू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम गोल्ड वी मोस्टली से कि 7-8% तक का ही रखो, और उस हिसाब से ही अपने एसेट एलोकेशन और अपने पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन आप करो। दैट इज़ व्हाट आई हैव, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल, आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, और तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छा है लगा तो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।